हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग किंग थ्रस बियर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। C1 फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेयर्स, मतलब जोड़े में डिस्कस करें, मतलब दो लोग आपस में डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है, दैट कि पीपुल हु आर प्राउड एंड रूड, लोग जो लोग घमंडी होते हैं एंड रूड यानी कि असिस्ट होते हैं, असभ्य होते हैं, आर पॉपुलर, वे पॉपुलर होते हैं अमंग अदर पीपुल, दूसरे लोगों के बीच में। इसका आंसर होगा नो, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट पीपुल हु आर प्राउड एंड रूड, लोग जो घमंडी होते हैं और असभ्य होते हैं, आर पॉपुलर, पॉपुलर होते हैं अमंग अदर पीपुल, दूसरे लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सच पीपुल ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर, क्या ऐसे लोग, सच पीपुल ब्रिंग मतलब लाते हैं, हैप्पीनेस मतलब खुशी, टू अदर्स मतलब दूसरों के लिए। आंसर होगा नो, सच पीपुल डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दें, फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से, बाय चूजिंग, चुनते हुए, कहानी से चुनकर यानी कि द एप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर चुन करके, फ्रॉम द ब्लर्ब, विज्ञापन से, गिवन दिया गया है, ऑन द नेक्स्ट पेज, जो अगले पेज पर दिया गया है, जो विज्ञापन देखिए सब दिया गया है, ये सब विज्ञापन, इसमें से चाकू चुन करके देना है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पॉइंटेड बियर्ड ऑफ वन प्रिंस रिमाइंड द प्रिंसेस, एक प्रिंस का, एक राजकुमार का पॉइंटेड बियर्ड मतलब नुकीली दाढ़ी रिमाइंड द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी को क्या याद दिलाता था, व्हाट डिड द पॉइंटेड बियर्ड ऑफ वन प्रिंस रिमाइंड, एक राजकुमार का नुकीली दाढ़ी क्या याद दिलाता था द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी को। आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इट रिमाइंडेड द प्रिंसेस, यह याद प्रिंसेस को याद दिलाता था, राजकुमारी को याद दिलाता था, ऑफ द बीक ऑफ ए थ्रस, थ्रस मीन्स एक बर्ड, एक बर्ड का बीक मीन्स चोच, एक पक्षी का चोच का याद दिलाता था राजकुमारी को, राजकुमारी को याद दिलाता था, एक पक्षी के चोच का याद दिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू, राजा ने क्या किया टू द प्रिंसेस राजकुमारी के साथ, इन ए फिट ऑफ एंगर गुस्से में आकर के राजा ने क्या किया, इसका आंसर होगा ही मैरिड, वह शादी कर दिया, हर मतलब उसका यानी कि राजकुमारी का, टू ए बेगर एक भिखारी के साथ, पासिंग बाय जो गुजर रहा था, बाय द पैलेस मतलब महल से होकर के, महल के बगल से होकर के पास कर रहा था, गुजर रहा था, उससे शादी कर दिया, मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन, डिड द प्रिंसेज राजकुमारी लीड मतलब निभाई या नेतृत्व की, विद द बेगर भिखारी के साथ किस प्रकार का जीवन नेतृत्व की, जीवन का नेतृत्व की, किस प्रकार का जीवन भिखारी के साथ वह निभाई। आंसर होगा, She led a hard life, उन्होंने एक कठिन जीवन निभाया, एक कठिन जीवन का नेतृत्व किया, with the beggar भिखारी के साथ, as क्योंकि she had to do, क्योंकि उसे करना पड़ता था, all the household work सभी घरेलू काम, and earn money और पैसे कमाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did King Thrushbeard try?
टू टीच द प्रिंसेज, किंग थ्रसवेयर ने प्रिंसेज को सिखाने के लिए क्या कोशिश किया? आंसर होगा ही ट्राइड, उसने कोशिश किया टू टीच सिखाने के लिए हर मतलब उसे दैट कि वन शुड नॉट बी प्राउड एंड रूड, किसी को प्राउड और रूड नहीं होना चाहिए, मतलब घमंडी और असभ्य नहीं होना चाहिए, शिष्ट नहीं होना चाहिए टू अदर दूसरे के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C4, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट को मतलब सारांश को, कहानी के एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कोई कहानी का छोटा सा हिस्सा पार्ट, जैसे ये दिया हुआ है दो लाइन, सारांश कह सकते हैं। इस निम्नलिखित सारांश को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर दें गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। क्या दिया है एक्सट्रैक्ट, व्हिच सिटी इज दिस, यह किसका शहर है, आस्क द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। इट इज द किंग थ्रसबियर्ड्स, यह किंग थ्रसबियर्ड का है। इट माइट हैव बीन योर्स, यह तुम्हारा हो सकता था, सेड द बेगर, भिखारी ने कहा। इस एक्सट्रैक्ट पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर किस सिटी को रेफर किया जा रहा है, किस सिटी के बारे में बोला जा रहा है, किस सिटी के बारे में बात किया जा रहा है। आंसर होगा किंग थ्रसबियर्ड सिटी, किंग थ्रसबियर्ड का शहर, राजा थ्रसबियर्ड का शहर, इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, मतलब किंग थ्रसबियर्ड, किंग थ्रसबियर्ड के शहर के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड हैव द सिटी बीन द प्रिंसेस सिटी, शहर कैसे हो सकता था राजकुमारी का शहर। इसका आंसर होगा द सिटी कुड हैव बीन द प्रिंसेस सिटी, शहर हो सकता था राजकुमारी का शहर, इफ यदि शी हैड एग्रीड, यदि वह सहमत हो जाती टू मैरी, शादी करने के लिए किंग थ्रसबियर्ड, किंग थ्रसबियर्ड से, राजा थ्रसबियर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बेगर, कौन भिखारी है। आंसर होगा किंग थ्रसबियर्ड इज द बेगर, किंग थ्रसबियर्ड भिखारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका सारांश है, सेकंड सारांश, सेकंड एक्सट्रैक्ट, हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, हाइडिंग मतलब छुपते हुए, बिहाइंड द कर्टन मतलब पर्दे के पीछे, द प्रिंसेस राजकुमारी, वॉच्ड मतलब देखी, एंड वेप्ट और रोई, एट हर सैड स्टेट्स, अपने दुख भरा अवस्था पर रोई। इस एक्सट्रैक्ट पर आधारित फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्रिंसेस हाइड बिहाइंड द कर्टेन, राजकुमारी क्यों छुपी, बिहाइंड द कर्टेन मतलब पर्दे के पीछे क्यों छुपी। द प्रिंसेस हिड बिहाइंड द कर्टेन बिकॉज शी वाज फीलिंग हैशमेड, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी पर्दे के पीछे छुपी क्योंकि शी वाज फीलिंग, वह महसूस कर रही थी हैशमेड मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, टू अपेयर बिफोर किंग्स एंड प्रिंसेस, राजा और राजकुमारों के सामने प्रतीत होने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इन हर रेग्ड क्लोथेज, फटे हुए कपड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सी वाचिंग, वह क्या देख रही थी। आंसर होगा सी वाज वाचिंग, वह देख रही थी द ग्रेट फीस्ट, बहुत ही बड़ा भोज, विच वाज बीइंग गिवेन, जो दिया जा रहा था टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए द बर्थडे, जन्मदिन मनाने के लिए, ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, सबसे छोटे राजकुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवार था फॉर हर सैड स्टेट, उसके दुख भरा अवस्था के लिए कौन जिम्मेवार था। आंसर होगा द प्रिंसेस
राजकुमारी हरसेल्फ मतलब स्वयं खुद वाज रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेवार थी फॉर हर सैड स्टेट, तब अपने दुख भरा अवस्था के लिए खुद राजकुमारी ही जिम्मेवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C5। फ्रॉम द एड बॉक्स मतलब एड बॉक्स से, यानी कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है उससे बिलो मतलब नीचे जो एड बॉक्स से फाइंड द वर्ड्स, वर्ड्स मतलब खोजें, फाइंड करें दैट हैव मीनिंग जिसका मीनिंग सिमिलर मतलब समान है टू वंस रिटन इन कॉलम फर्स्ट, जो कॉलम वन में लिखे गए हैं उन सब उनसे मीनिंग सेम है, इन सब ये सब जो कॉलम वन में लिखा गया है इन सब से मीनिंग सेम है, उन वर्ड्स को फाइंड करना है। राइट द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड लिखें इन स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस दिया गया है इन कॉलम सेकेंड, सेकेंड कॉलम में। ये इसका आंसर होगा प्राउड का हट्टी होगा, साउड का स्क्रीम, मिजरेबल का रेस्ट, सभी मतलब सभी का डर्टी होगा, गुड लुकिंग हैंडसम, रेड टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टी फॉर ट्रू, सत्य के लिए टी लिखें एंड एफ फॉर फॉल्स और गलत के लिए एफ लिखें फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित स्टेटमेंट के लिए द किंग हेल्ड ए बैंक्विट, राजा ने एक भोज आयोजन किया, भोज का आयोजन करवाया टू फाइंड ए सुटेबल बॉय एक सही लड़का चुनने के लिए फॉर हिज डॉटर अपने बेटी के लिए, यह आपका ट्रू है सत्य है तो यहाँ पर क्या होगा टी। सेकंड है द प्रिंसेस वाज हैप्पी, प्रिंसेस खुश थी टू गो जाने के लिए विथ हर हस्बैंड अपने पति के साथ, यह आपका गलत है यहाँ पर क्या होगा एफ। द प्रिंसेस वाज अपॉइंटेड एज ए किचन हेड, प्रिंस राजकुमारी प्रिंसेस अपॉइंट की गई थी किचन के हेड के रूप में, किचन का जो हेड होता है उसके रूप में, यह आपका गलत है, वह किचन का मेड दासी थी न कि किचन का हेड थी, यह भी आपका फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सी टुक लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल फॉर हिमसेल्फ, वह ले लेती थी लेफ्ट ओवर फूड मतलब बचा हुआ भोजन फ्रॉम द टेबल, टेबल से फॉर हिमसेल्फ स्वयं के लिए अपने के लिए, यह गलत है, वह टेबल से नहीं उठा रही थी, पहले वह टेबल से एक आयरन यानी लोहे का बर्तन में उठाती थी, उसके बाद उस बर्तन को घर ले आती थी, यह भी आपका फॉल्स है, टेबल से नहीं उठा रही थी डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है किंग थ्रसबियर्ड वाज मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, किंग थ्रसबियर्ड पार्टी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम आदमी था, यह आपका सही है ट्रू होगा। द प्रिंसेस रिफ्यूज टू डांस विथ किंग, राजकुमारी राजा के साथ डांस करने से मना कर दी, यह गलत है, वह डांस की थी आपका मना नहीं की थी, यह आपका फॉल्स होगा एफ होगा। अगला क्वेश्चन है द बेगर वाज एक्चुअली किंग थ्रसबियर्ड इन डिसगाइज, भिखारी था वास्तव में किंग थ्रसबियर्ड इन डिसगाइज मतलब छुपा हुआ अवस्था में, तो यह भी आपका सही है इसमें टी होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसेस राजकुमारी रियलाइज मतलब राजकुमारी को विश्वास हो गया, रियलाइज हो गया हर मिस्टेक अपने गलती का एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस और माफी के लिए माफी मांगी, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्किल, क्वेश्चन नंबर C7 लाइफ स्किल, इन ए फिट ऑफ एंगर मतलब गुस्से में होकर के द किंग गेव प्रिंसेस, राजा ने दिया राजकुमारी को टू ए बेगर एक भिखारी को दे दिया एज हिज वाइफ पत्नी के रूप में, डू यू थिंक क्या आपको लगता है द किंग मेड द करेक्ट डिसीजन, राजा ने सही डिसीजन लिया, राजा ने सही डिसीजन बनाया, क्या राजा ने सही डिसीजन लिया ऑफ गिविंग अवे हिज डॉटर टू ए बेगर, अपने से दूर उस भिखारी को
अपने बेटी को अपने से दूर भिखारी को देकर के वाई क्यों, वाई नोट और क्यों नहीं, इसका आंसर होगा यस आई थिंक द किंग मेड द करेक्ट डिसीजन, हाँ मुझे लगता है कि राजा ने सही डिसीजन लिया फॉर गिविंग अवे अपने से दूर हिज डॉटर अपनी बेटी को टू ए बेगर एक भिखारी को अपने से दूर भिखारी को देकर के सही डिसीजन लिया बिकॉज क्योंकि ड्यू टू दिस डिसीजन क्योंकि इस डिसीजन के कारण प्रिंसेस रियलाइज राजकुमारी को रियलाइज हो गया विश्वास हो गया हर हटी यहाँ पर नटी नहीं होगा यहाँ पर एन यहाँ पर एच होगा एन की जगह पर सुधार लीजिएगा हर हटी एंड एरोगेंट बिहेवियर उसको रियलाइज हो गया उसके हटी और एरोगेंट बिहेवियर का और उसके बाद वह माफ़ी मांगी इस तरह से सुधर गई इसी डिसीजन के कारण इसलिए मुझे लगता है यह सही डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है डू यू अप्रूव द प्रिंसेज एरोगेंट एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरीवन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, क्या आप सहमति रखते हैं कि आप सहमत हैं प्रिंसेज के राजकुमारी के एरोगेंट एटीट्यूड यानी कि घमंड भरा एटीट्यूड से प्रत्येक के प्रति एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यानी कहानी के शुरू में जो एटीट्यूड है किसी के भी प्रत्येक हर एक एवरीवन के प्रति एरोगेंट उसका एटीट्यूड जो है यानी कि घमंड वाला एटीट्यूड है उससे आप सहमति रखते हैं आप उसको सही मानते हैं वाई क्यों वाई नॉट क्यों नहीं, इसका आंसर होगा आई डू नॉट अप्रूव मैं सहमति नहीं रखता हूं मैं सहमत नहीं हूं एरोगेंट एटीट्यूड प्रिंसेज एरोगेंट एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरीवन प्रत्येक के प्रति एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी कहानी के शुरुआत में बिकॉज क्योंकि व्हेन टाइम केम फॉर द प्रिंसेज टू मैरी क्योंकि जब प्रिंस का राजकुमारी का शादी करने का समय आया द प्रिंसेज डिड नॉट लाइक एनीवन तो प्रिंसेज वह किसी को पसंद नहीं की द किंग लॉस्ट हिज पैशन इस तरह से एक राजा ने पैशेंस खो दिया विथ हिज डॉटर अपने बेटी से एंड गेव प्रिंसेज और राजकुमारी को दे दिया टू ए बेगर एक भिखारी को एज हिज वाइफ एक पत्नी के रूप में इस तरह से यह तरह से गलत हुआ तो इसलिए मैं अप्रूव नहीं करता हूँ उसके एटीट्यूड को इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है डू यू थिंक क्या आपको लगता है क्या आप सोचते हैं शी इज वर्दी ऑफ प्रेज वर्दी मीन्स योग्य वह योग्य है ऑफ प्रेज मतलब प्रशंसा के वह प्रशंसा के योग्य है फॉर द हार्ड वर्क कठिन काम करने के लिए शी पुट वह रखी इन टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड एंड हर सेल्फ वह अपना और अपने हस्बैंड का जो देखभाल रखी उसके लिए वह प्रशंसा के योग है वर्दी ऑफ प्रेज शी इज वर्दी ऑफ प्रेज आफ्टर हर मैरिज शादी के बाद डिस्कस विथ रीजन के साथ डिस्कस करें आंसर होगा इसका आई थिंक हाँ मुझे लगता है मैं सोचता हूँ शी इज वर्दी वह योग्य है और प्रेज में प्रशंसा के फॉर द हार्ड वर्क के लिए कठिन काम करने के लिए शी पुट वह रखी इन टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल हर हस्बैंड अपने पति एंड हर सेल्फ और खुद का आफ्टर हर मैरिज के बाद शी डिड ऑल द हाउस होल्ड टास्क वह करती थी सभी हाउस होल्ड का कार्य शी ऑल्सो वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी वह एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए भी काम करती थी इस तरह से वह इसलिए शी इज वर्दी ऑफ प्रेज फॉर द हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टोरी में व्हेन द प्रिंसेस डिस्कवर्ड जब प्रिंसेस ने राजकुमारी ने डिस्कवर्ड की मतलब खोज ली मतलब जान गई दैट की हर हस्बैंड वाज नन अदर देन किंग थ्रसवेड
उसका पति था नन अदर देन कोई नहीं, नन अदर देन कोई नहीं बल्कि किंग थ्रसबेर्ड ही था। उसका पति, उसका हस्बैंड किंग थ्रसबेर्ड ही था। शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। बट लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय शी वॉज गिल्टी एंड फेल्ट सॉरो, वह गिल्टी थी, वह गिल्टी महसूस कर रही थी और सॉरो और दुख महसूस कर रही थी। फेल्ट सॉरो, वह दुख महसूस कर रही थी फॉर हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के लिए, अपने व्यवहार के लिए। शी रोट, वह लिखी ए डायरी, एक डायरी नोट दैट डे, उस दिन क्या लिखी, वही दिया हुआ डायरी नोट, पहले डेट उसके बाद आई एम वेरी हैप्पी टूडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। डायरी में लिख रही है कि यार मैं आज बहुत खुश हूँ। माई हस्बैंड इज नॉट ए बेगर, मेरे पति एक भिखारी नहीं है। ही इज नन अदर देन किंग थ्रसबियर्ड हिमसेल्फ, वह है नन अदर देन मतलब और कोई नहीं बल्कि किंग थ्रसबियर्ड खुद हैं, खुद हैं किंग थ्रसबियर्ड खुद हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड एक्साइटेड, और एक्साइटेड भी हूँ, रोमांचित हूँ। एट द सेम टाइम, और इसी समय आई फील वेरी सॉरो, मैं बहुत ही दुख महसूस करता हूँ फॉर माई हॉटी एंड एरोगेंट बिहेवियर, मैं अपने हॉटी एंड एरोगेंट बिहेवियर एंड घमंड भरा बिहेवियर के लिए। आई हैव अप्लाइड टू द किंग, मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। अप्लाइड मीन्स माफ़ी मांगना, मैं मांग चुकी हूँ, माफ़ी मांग चुकी हूँ टू द किंग मतलब राजा से, यानी कि किंग थ्रसबियर से। आई शैल विजिट, मैं जाऊँगी माई फादर, मैं अपने पिताजी के पास, टू सीक हिज फॉरगिवनेस माफ़ी मांगने के लिए। प्रिंसेज इस तरह से अपना डायरी नोट लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 10, इमेजिन करें यू आर द किंग थ्रसबियर्ड, कि आप किंग थ्रसबियर्ड हैं। यू हैव टोल्ड द प्रिंसेस, आप कह चुके हैं राजकुमारी को कि वाई यू डिस्काइज योर सेल्फ एज ए बेगर, कि क्यों आप डिस्काइज मतलब छुपे हुए थे, योर सेल्फ अपने आप को छुपाए हुए थे एज ए बेगर, भिखारी के रूप में क्यों आप रूप धारण किए हुए थे, ये आप बता चुके हैं। यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हैं टू सी, देख करके द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी को, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस माफ़ी मांगते हुए, देख करके बहुत खुश हैं। कंप्लीट द डायरी एंट्री, डायरी एंट्री कंप्लीट करें इन द स्पेस, जगह जो नीचे गिवन बिलो, जो नीचे स्पेस दिया गया है, इस तरह से एक दो लाइन लिखा हुआ, बाकी अपने से लिखना है। चलिए चलते हैं, आंसर होगा, आप अपने से भी एक दो लाइन आप लोग जोड़ सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टूडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है दैट की आई एम किंग थ्रसबियर्ड, मैं किंग थ्रसबियर्ड हूँ। सी हैज रियलाइज, उसे रियलाइज हो चुका है। हर नॉट हॉटी यहाँ पर होगा, सुधार लीजिएगा यहाँ पर, इच होगा हॉटी एंड एरोगेंट बिहेवियर का, उसे घमंड भरा बिहेवियर का रियलाइज हो चुका है, उसे मतलब वह विश्वास हो चुका है कि मेरा बिहेवियर खराब था। सी इज वर्थी ऑफ प्रेज, वह प्रशंसा के योग्य है। फॉर द हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए। सी पुट इन लुक आफ्टर हर हस्बैंड एंड हर सेल्फ, वह अपने और अपने पति का जो देखभाल की उसके लिए वह प्रशंसा के योग्य है। आफ्टर हर मैरिज, शादी के बाद जो उसने देखभाल की। She did all the household tasks, उसने किया सभी घरेलू काम, या उस वह करती थी सभी घरेलू काम। She also worked to make some extra money, वह कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मनी बनाने के लिए भी काम करती थी। इस तरह से आप खुद से भी जो आपके दिमाग में आए दो लाइन आप इसमें से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर टोटल इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।